पीतांबरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्त जनों, आज आप सभी के लिए बड़ा ही सुंदर, दिव्य, पतित और पावन प्रसंग है। और वह प्रसंग है कि क्या घर में श्री पीतांबरा माँ बगलामुखी देवी जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए या नहीं, माँ बगलामुखी देवी का श्री यंत्र घर में रखना चाहिए या नहीं, इस विषय में आपको बड़े ही सुंदर, भाव रहित, आपको दिव्य जानकारी प्राप्त कराने वाली हूँ। भक्तजनों, घर में बड़ी मूर्ति रखने का विधान नहीं है। अगर आप घर में श्री यंत्र रखना चाहते हैं, अगर आप घर में श्री पीतांबरा माँ बगलामुखी देवी जी का दिव्य श्री यंत्र रखना चाहते हैं और उनके नित्य प्रति पूजन अर्चन एवं जप करना चाहते हैं, तो इसके विषय में सदगुरु से परामर्श लेना अति आवश्यक है। लेकिन वे सदगुरु दसमा विद्याओं के ही साधक होने चाहिए, वे ही आपको सटीक जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। और आपको सौभाग्य से अगर बगलामुखी साधक ही सदगुरु रूप में प्राप्त हो गए, तो मान लो कि सोने में सुहागा हो गया। और घर में अगर मूर्ति स्थापना करनी है, तो केवल और केवल 5 इंच की मूर्ति होनी चाहिए, एकदम छोटी। और अगर आप चाहते हैं कि घर से लगे लगे मंदिर में माँ भगवती का मंदिर बनाना चाहते हैं, तो क्या उसमें मूर्ति स्थापित कर सकते हैं? तो भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वह मंदिर में आप माँ भगवती की मूर्ति स्थापना 1.25 फीट से ज्यादा ना करें। मूर्ति स्थापना के बाद यह साधना केवल सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए ही सुलभ बताई गई है, वरना यह साधना बहुत दुर्लभ है और कठिन भी है। माँ भगवती बगलामुखी देवी के दिव्य साधक की कृपा दृष्टि आपके जीवन में हो, तभी आपके लिए यह मार्ग सुलभ होगा। भक्तों, माँ भगवती श्री बगलामुखी देवी का दिव्य श्री यंत्र आप घर में रख सकते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजन से कहीं बढ़कर सही और सटीक लाभ, शीघ्रता पूर्वक लाभ आपको श्री यंत्र पूजन करने से प्राप्त होगा। यंत्र पूजन से श्री पीतांबरा माँ बगलामुखी देवी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होती हैं। और मूर्ति पूजन का विधान है, लेकिन उससे पहले श्री यंत्र का विधान है। भक्तजनों, श्री पीतांबरा माँ बगलामुखी देवी की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ अनेक मूर्तियों का रखने का विधान नहीं है। केवल वहाँ भगवान श्री गणेश, शिव परिवार और भैरव जी की स्थापना की जाती है। तेरे लिए